मोटा बनाना सिखा रही हूँ। काफ़ी लोग इसको हंटर भी कहते हैं। बहुत सी जगहों पे ये हंटर यानी बोटा पानी से बनाया जाता है, ज़्यादातर पानी से सॉक करके बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको न्यू स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी। चलिए अपन बनाते हैं। बोटा बनाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। चलिए हंटर की जानिब चलते हैं। हंटर बनाने के अच्छा हमें जो चाहिए होंगे उसमें हमने बोटा ले लिया है, साथ ही ये 1 kg का बोटा है। साथ ही हमें जो चाहिए होगा में हमें जो सामान चाहिए होगा उसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया है। साथ ही हमें 1 टेबल स्पून धनिया चाहिए होगा। साथ ही हमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर चाहिए होगी। 2 टेबल स्पून हमें तंदूरी मसाला चाहिए होगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ शान का लिया है। आप शान का लाएँ, शान का बहुत अच्छा तंदूरी मसाला है, और यूज़ करें और इन्जॉय करें। साथ ही हमें 2 अदद प्याज चाहिए होंगे। सीजनिंग का सामान हमारा यही था। साथ ही हमें 4 अदद लेमन चाहिए होंगे। इसके साथ हमें कचरी पाउडर चाहिए होगा, ये 1/2 टेबल स्पून से भी हाफ हम डालेंगे। लिक्विड में हमें जो सामान चाहिए होगा उसमें हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 पाव से करीब दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ हमने टेबेस्को सॉस लिया है, ये सिर्फ एक ड्रॉप डालता है। इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से आप एक ड्रॉप डालें और हम भी एक ड्रॉप डालेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई और न्यू अच्छी रेसिपी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स पे बताएं, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगी। इसी तरह चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे बोटे को, हंटर को कट लगा लेंगे। यहाँ हमने बोटा रख लिया है, अब इसको हम कट लगाएंगे। अब हम कट लगा लेंगे। इसी तरह सारे हम कट लगा लेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगह से। तेज छुरी से आप कट लगाएं। कट हमारे लग चुके हैं। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि सारा जो हम मैरिनेशन करेंगे वो सारा जो गोश्त है अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। कट लग चुके हैं, अब हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले हम दही ऐड करेंगे, सारी जगह दही लगा लेंगे। अब उल्टी साइड पे दही लगा लेंगे हम, ताकि सारी जगह दही लग जाए और मसाला अच्छी तरह लग जाए। और बाकी अच्छा लगाएंगे हम। अब हम 1 अदद लेमन ले लेंगे और साथ ही तंदूरी मसाला ले लेंगे। लेमन को तंदूरी मसाले के अंदर अटैच करके उसके बाद फिर हम बोटे पे लगाएंगे। देखें ताकि लींबू भी लग जाए और तंदूरी मसाला भी लग जाए। इसी तरह हम 4 लींबू, अब हमने ये 2nd लींबू लिया है, इसको प्रेस करेंगे और इसको उल्टी साइड कर देंगे। इसके छिलके निकाल लें ताकि कड़वासपन ना हो।
इसी तरह अब हम सारे लेमन लगा लेंगे इसके अंदर, सारी जगह चार लेमन हमने लगा लिए हैं। अब हम जो सामान लगाएंगे उसमें ब्लैक पेपर भी हम लीमू के ऊपर लगाकर उसके बाद फिर हम बोटे पे लगाएंगे, यानी हंटर पर लगाएंगे। इसी तरह चारों जगह हम लगा लेंगे। ब्लैक पेपर हमारी लग गई है। अब हम लेमन के साथ लगा के गरम मसाला लगाएंगे बोटे पर। गरम मसाला भी हमारा लग चुका है। अब हम नींबू से ही धनिया लगाएंगे। ये बहुत अच्छा बनेगा, आप अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और हमें भी अपना फीडबैक दीजिएगा कि हमारा कैसा बना है। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लीमू के ऊपर लगा के बोटे पर लगाएंगे। अब हम चिली सॉस डालेंगे इसमें। चारों तरफ लगा लेंगे। साथ ही हम सोया सॉस लेंगे। सोया सॉस इस पे लगाएंगे। नमक हमने अभी इसलिए भी डाला क्योंकि जो तंदूरी मसाला हमने डाला है उसमें भी काफी नमक होता है, और जो सोया सॉस अब डाला है उसमें भी नमक होता है। अगर आपको नमक कम ज्यादा लगे तो आप आखिरी में डाल सकते हैं। साथ ही अब हम सिरका लगाएंगे। सिरका कम लगाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन भी लगाए हैं। सिरका लगाएंगे अब हम। साथ ही अब हम कचरी पाउडर लगाएंगे। कचरी पाउडर थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून से भी हाफ लगाएंगे ताकि ज्यादा गल ना जाए। सारा प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम दो तीन ड्रॉप टिबेस्को सॉस के लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
इसमें 2-3 ड्रॉप डालेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम 1 घंटा या 1.5 घंटा हाफ आवर्स के लिए आप फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह और इसकी मैरिनेशन हो जाए। हमने एक बर्तन ले लिया जिसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपना बोटा डालेंगे। अब इसके अंदर हम अपना बोटा डालेंगे और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि पक जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर कचरी पाउडर डाला है, इस वजह से ये ज़्यादा गल ना जाए, तो इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसको पकने के लिए रख देंगे। ऑलमोस्ट 2 घंटे तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कितना पका है और कितना इसके अंदर कसर बाकी है। उसके बाद 2 घंटे के बाद हम आपके सामने हाजिर होते हैं। इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद देखेंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे इसको। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम हंटर एंड बोटा विद बोट डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। अब हम डिश आउट करेंगे और इसको हम कटिंग करके दिखाएंगे। अब हम इस पे हमारा जो मसाला बचा है अब वो हम डालेंगे। सारा हमने मसाला लगा लिया है। देखें कितना टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।